वेलकम बैक टू माई चैनल रुवीना किचन। आज मैं बहुत ही मजेदार रेसिपी लेकर आ गई हूँ, चिकन पकौड़ा। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। एक चम्मच पहले नमक ऐड कर दूंगी मैं इसके ऊपर, और थोड़ा सा भी दे दूंगी नमक। मैं आधा किलो चिकन ले ली हूँ इधर, तो अभी चिली पाउडर भी ऐड कर दी हूँ 1 टेबल स्पून, और थोड़ा कश्मीरी चिली पाउडर भी ऐड कर दूंगी। और हाफ चम्मच में बड़ा साइज चम्मच का हाफ चम्मच सोया सॉस ले ली हूँ, और थोड़ा सा केसर, टमाटो केसर। और अभी थोड़ा हल्दी पाउडर में ऐड की हूँ, और थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर दी हूँ, और अंडा, एक अंडा मैं इसी के अंदर फोड़ दूंगी, और अभी ऐसे हाथ से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। मिक्स करके कम से आधा घंटा ऐसे रख देना है, उसी के बाद ही फ्राई करना है। तो अभी मैं इसी के अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से क्रिस्पी होता है, इसलिए कॉर्नफ्लोर ऐड करती हूँ मैं। तो हो गया। तो अभी मैं कढ़ाई को गरम करने दी हूँ। तो अभी मैं कढ़ाई गरम हो गया, तो कढ़ाई में मैं तेल ऐड कर दी हूँ। कम से 400 ग्राम में तेल ऐड कर दूंगी इसी के अंदर। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। ये रेसिपी बहुत ही जबरदस्त बनने वाला है, आप लोग प्लीज घर पर ट्राई कीजिएगा। तो तेल गर्म हो गया, तो मैं एक एक करके इसी के अंदर ऐसे छोड़ दूंगी। इसको लाल लाल करके फ्राई कर लूंगी चिकन को। मीडियम फ्लेम में पकाना है, फ्राई करना है, क्योंकि ऐसे आप लोग अगर हाई फ्लेम में करोगे तो जल जाता है नीचे से, तो इसलिए मीडियम फ्लेम में ही करना। तो मैं अभी एक एक करके पलट दे रही हूँ चिकन को। एक साइड हो गया, तो और एक साइड होने के लिए मैं दे रही हूँ। तो देखो लाल लाल हो गया। अभी मैं इसको खाली कर लूंगी। इसी के अंदर जरा भी तेल नहीं रहना चाहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा है। तो देखो, क्योंकि मैं रात में वीडियो बना रही हूँ, इसलिए ऐसे ग्लेज आ रहे हैं, वरना और भी अच्छा ग्लेज है इसका, और बहुत ही मजेदार है, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं खाने में भी, तो और भी अच्छा है। प्लीज ट्राई कीजिएगा आप लोग करके। मेरी तरफ से आप लोग के लिए हार्दिक शुभकामना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।